Shifting focus now, political war of words erupted after Congress released its manifesto yesterday. BJP slammed the Congress manifesto that promises to focus on the Panch Nyay, which is five pillars of justice, including the promise to keep a check on national agencies and bring them under parliamentary oversight. Now, this comes on the day when Defence Minister Rajnath Singh, as we just showed you in an exclusive interview with CNN News 18, defended actions of the investigative agencies against the opposition, saying that they have got no relief from the courts. BJP also slammed the Congress, saying that the party manifesto has misleading photos of New York and Thailand and is full of lies as well. BJP said that the party is only interested in garnering votes through empty promises. Congress ne ka ghoshna patra jisko nyay patra naam diya hai. Congress anyay ke pahad pe baithi hui sadev puri desh ke kisan, garib, mazdoor, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा है. ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है. अन्याय महिलाओं के साथ, हमारे यहाँ 29 सीट पर 29 में से केवल एक जगह कांग्रेस लड़ा रही, उसके उल्टा भाजपा 6 जगह लड़ा रही. बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि हमने जो वायदे हमेशा किए हैं पहले भी वो हमने पूरे किए हैं और इसमें जो वायदे किए हैं वो भी पूरा किया जाएगा, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा. और बीजेपी ने पिछले चुनाव में जो वायदे किए थे वो भूल गए उसे. महिलाओं के लिए बड़ी सारी बातें हैं. हाँ, बहुत अच्छा. 1 लाख रुपए देने की बात है. बहुत अच्छा है वो, और वो दिया जाएगा. 75 साल से जिन वर्गों के लिए, समूहों के लिए कोई कार्य नहीं हो पाया, आज चुनाव के वक्त पर उनको इस तरह प्रकार के प्रलोभन देना, ये चुनावी नौटंकी. आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है. देखिए इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा, ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है. कांग्रेस कपोल कल्पित बातें कर रही है. कांग्रेस ने इस बार इतने उम्मीदवार भी नहीं खड़े किए कि वो अगर सारे जीते तब भी वो अपनी सरकार बना पाए.